फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम भावना। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी सीरम क्रीम। आज हम इस क्रीम के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं, क्या इसका प्राइस है, क्या इसका वेट है, कौन सा स्किन टाइप के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ताकि आप वहाँ पे जाके क्रीम की ऑफर चेक कर सके। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, ये है पॉन्ड्स ब्राइट सीरम क्रीम स्पॉटलेस ग्लो। ये इसकी पैकिंग है, ये देखिएगा इस पे लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या है डला हुआ। इसमें है ग्लिसरीन जो स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा, विटामिन B3 जिससे आपकी स्किन की डलनेस जो है रिड्यूस होगी और आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, एंटी स्पॉट फॉर्मूला जिससे आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, और इससे आपको क्या मिलेगी, स्पॉटलेस ग्लो इन 7 डेज। ऐसा ये जो प्रोडक्ट है ये क्लेम करता है। बाकी मैं आपसे अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर करने वाली हूँ, आगे वीडियो में बने रहिएगा। ये जो है 23 ग्राम की है, उस पर लिखा हुआ है हाउ टू यूज। यूज करने का जो वे है वो तो सबका कॉमन ही होता है कि पी साइज आपको लेनी होती है और उसको जो है अपने फेस और नेक पे आपको अप्लाई करना होता है। एंड जो इसका प्राइस है वो है ₹90, और जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो है 3 ईयर्स की, यानी ये 22 की पैकिंग है और ये 25 तक चलेगी, यानी 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है। लेट्स ओपन इट। मैं ओपन करके इसको यूज कर चुकी हूँ, और अगेन मैंने इसको इसमें पुट कर दिया था क्योंकि ये मेरी स्किन को सूट नहीं करी थी। तो यूजुअली ये किस स्किन टोन के लिए है मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी। पैकिंग देख के तो लग रहा था कि जो बॉक्स है वो अंदर से बड़ा निकलेगा, बट ये देखिए इस तरह से फ्लफी सा किया हुआ था इसको, और जो क्रीम निकली अंदर वो एकदम छोटू सी निकली। ये देखिए ये छोटी सी एकदम स्मॉल सा बॉक्स इसका, मतलब एक क्यूट सा लगा मुझे। कंटेनर तो इसका देख के काफ़ी छोटा है, 23 ग्राम है, बट अच्छा लगा। तो गाइज ये जो क्रीम है मेरे को फ्री मिली थी पॉन्ड्स बॉडी लोशन के साथ। अभी जो करंटली विंटर में ऑफर चल रहा है वो बॉडी लोशन के साथ ये फ्री दे रहे हैं। एंड बट मैंने अमेजोन पे काफ़ी सर्च करी, मुझे अमेजोन पे प्रोडक्ट नहीं मिला। और जो मतलब जो प्रोडक्ट अमेजोन पे मिल रहा है ना, वो लिखा हुआ ऐसा कि उसमें SPF 15 भी है, मतलब सेम चीज़ है, बट मुझे लग रहा है कि करंटली उन्होंने थोड़ा चेंज करके उसमें SPF 15 भी ऐड कर दिया है। तो आपको लिंक मैं दे दूंगी, यू कैन चेक कि क्या है प्रोडक्ट क्या नहीं, ठीक है ना। तो चलो ओपन करते हैं इसको। ये इस तरह से है, ऑलरेडी थोड़ा बाहर निकल गया इसमें से, ये देखिए। जैसे ग्लो एंड लवली, जो फेयर एंड लवली आती थी, मतलब ये थोड़ा उसी टाइप की क्रीम है, ये देखिएगा। तो मैंने इसको अप्लाई किया था बट ये मुझे सूट नहीं करी। द रीजन इज, जैसे मैंने आपको बताया ये ग्लो एंड लवली टाइप है, वो मुझे वो भी सूट नहीं करती है। ये जो मतलब मेरी स्किन जो है ड्राई स्किन टोन है, और ये क्रीम जो है बिल्कुल भी ड्राई स्किन टोन के लिए नहीं है। अगर फिर भी अप्लाई करनी है तो पहले अपनी स्किन को किसी अदर क्रीम से मॉइस्चराइज कर लो और उसके बाद ही इसको आप अप्लाई करो। इसकी फ्रेग्रेंस भी एकदम ग्लो एंड लवली जैसी ही है। अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है देन दिस क्रीम इज फॉर यू, ये क्रीम आपके लिए है डेफिनेटली। अगर आपकी स्किन पे ऑलरेडी फाइन लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं और स्किन ड्राई भी है, तो आप ये क्रीम मत अप्लाई करना, ये आपके फाइन लाइंस रिंकल्स में जाके जम जाएगी, बैठ जाएगी, अजीब सी टेक्सचर है इस क्रीम का, और आपकी और फाइन लाइंस जो है नजर आएंगी इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद। तो ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए ही बेस्ट क्रीम है। अगर आपकी स्किन ऑयली है आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसको एक दो बार ही लगाया था, मेरी स्किन पे काफ़ी सारे दाने पिंपल निकल आए थे, मीन्स दाने टाइप हो गए थे, और स्किन और ड्राई हो गई थी, तो मैंने इसको लगाना बंद कर दिया। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, अपने जेन्युइन रिव्यूज में आपसे शेयर कर रही हूँ, जैसे कि चैनल का नाम भी है ट्रू प्रोडक्ट रिव्यूज। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे रिव्यूज हैं ये, ठीक है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और मुझे बिल्कुल भी ये क्रीम ठीक नहीं लगी है। तो आप जो है अगर आप चाहते हैं तो ये छोटी सी क्रीम है, प्राइस भी ऐसी है इसका 90 के अराउंड 90-100 है ना, और अगर बड़ी पैकिंग होगी तो प्राइस भी उसका ज़्यादा होगा। जो मैं आपको लिंक दूंगी, आई थिंक उसमें SPF 15 भी है, बट सेम चीज़ ही होगी वो भी देखने में। अभी शायद मुझे लग रहा है बिक नहीं रही होगी, तो इन्होंने लोशन के साथ देनी स्टार्ट कर दी है, और फ्री मतलब, और साथ ही उसमें SPF 15 डाल के थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दिया होगा कि सेल आउट हो जाए।
बट आई एम नॉट सेटिस्फाई विद दिस प्रोडक्ट, मे बी मेरा स्किन टाइप ऐसा है इसलिए. अगर आपकी स्किन ऑयली है देन यू कैन गो फॉर दिस. आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं, गिव इट अ ट्राई. अगर आपके फेस पे मार्क वगैरह हैं जैसे क्लेम करते हैं देन यू कैन ट्राई इट. बट मैं पर्सनली आई एम नॉट सेटिस्फाई विद दिस क्रीम. और या फिर अगर आपको ग्लो एंड लवली सूट करती है देन दिस क्रीम इज डेफिनेटली फॉर यू. कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस क्रीम आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो. सी यू सून विद समथिंग न्यू. टिल देन बाय.